रक्षित हो। तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधी और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फफक फफक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते हैं। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसकी पुत्रों की जन्मदाता धर्म वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सबर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्ज्वल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सदव्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान वर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सदगति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का वर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं इस संसार में कभी कभी कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछोड़ना अवश्य पड़ेगा। हे राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेले ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं, यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव ना होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममता वश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, सम तत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपति अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरी चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। हे अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेट कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा, क्योंकि कहा भी है, होगा वही जो राम रच राखा
को कर तरक बढ़ा वहीं साखा। हे अक्रू जी, उनकी जैसी इच्छा होती है होता वही है। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है, उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की वे रोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वरशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। हे परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार वर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी तो यही था। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इति दशम स्कंद पूर्वार्ध का विश्राम यहाँ होता है। ओम हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध प्रारंभ्यते। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण का दशम स्कंद उत्तरार्ध भाग यहाँ प्रारंभ होता है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद में 50वां अध्याय जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी के निर्माण का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत वंश शिरोमणि परीक्षित कंस की दो पत्नियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपनी विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। हे परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिल मिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौणी सेना के साथ यदवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा प्रवासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी करके लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थीं और दो सारथी उन्हें हांक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी
अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई आप बड़े शक्तिशाली हैं, इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। देखिए यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आज पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। हे भगवान, साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है, अतः अब आप यह 23 अक्षुण सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाम करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी।